टीजीटी पीजीटी एंड अल्टीग्रेड टीचर्स मैथमेटिक्स के लिए मैक्सिमा एंड मिनिमा यानी कि उच्चस्त तथा निम्निस्ट, ठीक है। ये टॉपिक चालू कर रहे हैं, इसका वीडियो नंबर है फर्स्ट है। तो जैसे कोई फंक्शंस दिया होता है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका फर्स्ट टाइम में जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जैसे वाई डैश या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होगा एफ डैश एक्स। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू के लिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा मिनिमा वैल्यूज या उच्चस्त तथा निम्निस्त मान के लिए, उच्चस्त तथा निम्निस्त मान के लिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होता है जीरो, यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ के एक्स की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, एक आई या दो आई, इस तरह से कुछ ना कुछ एक्स की क्वांटिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। जो एक्स की क्वांटिटीज़ आती हैं उसके बाद जो इसको इस कंडीशन को यानी कि जो डिफ्रेंशिएशन करके जीरो करते हैं ये वाली, इसको नेसेसरी कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा भी कहा जाता है, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन बना के दे देगा, तो नेसेसरी कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या है, डी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। फिर इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ये सफिशिएंट कंडीशन होती है, ठीक है। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स आता है, उसमें जो वैल्यूज पुट किया जाता है यानी एक्स इक्वल टू अल्फा वगैरह, तो एफ डबल डैश ऑफ अल्फा होगा। अगर अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव आने पर वैल्यू होगा मिनिमा, ठीक है। पॉजिटिव पे वैल्यू आती है मिनिमा। अगर दूसरी क्वान्टिटीज, अगर एक्स इक्वल टू हमने बीटा रखा, एफ डबल डैश ऑफ बीटा, अगर ये निगेटिव आता है तो उस पर वैल्यू होगा मैक्सिमा, ठीक है। पॉजिटिव पर मिनिमा होती है एंड नेगेटिव पर होती है मैक्सिमा क्वांटिटीज हुआ करती है। अब फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू फाइंडिंग करने के लिए, जैसे एक्स इक्वल टू अल्फा पर मिनिमा आया है तो एक्स इक्वल टू अल्फा इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि जो इक्वेशन फर्स्ट होती है फंक्शंस की जो वैल्यूज होती है वहाँ पर एक्स इक्वल टू अल्फा पुट कर देंगे। और एक्स इक्वल टू बीटा अगर मैक्सिमा वैल्यू फाइंड करना है तो एक्स इक्वल टू बीटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन से कभी कभी होता है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जीरो आ जाता है ना, डी टू एक्स वाई डी वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो डबल डिफ्रेंशिएशन है वो जीरो आ जाए, तो उस पर कंडीशन फाइंड नहीं हो पाती कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। अगर ये जीरो आए तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ना तो मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है, बट डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, ये है नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा की कंडीशन, ना उच्चिष्ट है ना निम्निष्ट है। तो उस कंडीशंस में ये इसकी मात्र कंडीशन थी, छोटे छोटे पॉइंट्स से। अब इस पर डिपेंडिंग क्वेश्चन चालू हो रहा है, जैसे ये क्वेश्चन है वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स का मैक्सिमम मान उच्चिष्ट मान अंडर रूट टू है, यानी कि मैक्सिमा वैल्यू अंडर रूट टू है, प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन आ चुका है 2013 टीजीटी में आया है, यूपी टीजीटी में क्वेश्चन हमने उठाया है। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, फर्स्ट कंडीशन था, फिर है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का कोस एक्स एंड कोस एक्स का होगा माइनस का साइन एक्स। इक्वेशन नंबर टू, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्वान्टिटीज के लिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज के लिए, तो यह होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि कोस एक्स माइनस का साइन एक्स इक्वल टू जीरो, तो कोस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इक्वल टू वन, यानी कि टेन एक्स इक्वल टू वन, टेन पाई बाई फोर इक्वल टू वन, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू आ गया पाई बाई फोर, एक्स की वैल्यू पाई बाई फोर आ चुकी है, एक क्वांटिटी हमको यहाँ पे मिल गई है। उसके बाद इसमें डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन करने के बाद देखेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाला, कोस का होगा माइनस का साइन एक्स, साइन एक्स का होगा कोस एक्स। इसमें अगर वैल्यूज पुट कर देते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन पाई बाई फोर, माइनस का कोस पाई बाई फोर, यहाँ का माइनस का वन अपॉन रूट टू, माइनस का वन अपॉन रूट टू, यानी माइनस का टू अपॉन रूट टू इक्वल टू माइनस का रूट टू, ये हो जाएगा निगेटिव। निगेटिव पर वैल्यूज हुआ करती है मैक्सिमा, यानी कि एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर पर वैल्यू मैक्सिमा होगी एट एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर। तो वैल्यूज ऑफ फंक्शन इज मैक्सिमा, ठीक है। फोर टू फाइंड द वैल्यूज मैक्सिमा वैल्यूज के लिए एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर पुट इन इक्वेशन वन, ठीक है। इक्वेशन वन में इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो वाई मैक्सिमा
मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा साइन पाई बाई फोर प्लस का कोस पाई बाई फोर, यानी कि वन अपॉन अंडर रूट टू प्लस का वन अपॉन अंडर रूट टू इक्वल टू टू अपॉन अंडर रूट टू इक्वल टू अंडर रूट टू। तो मैक्सिमम वैल्यू इसका आया है अंडर रूट टू। यही हमको इसमें वैल्यूज़ फाइंड करना था, यानी कि फंक्शंस का मैक्सिमम वैल्यूज हमको निकालना था। ठीक है, ये क्वेश्चन ओके हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो करना है कि x इक्वल टू पाई बाई थ्री पर, जो सो दैट x इक्वल टू एट x इक्वल टू पाई बाई थ्री पर फंक्शन y इक्वल टू साइन x एंड वन प्लस का कोस x निम्निष्ट है, यानी कि मिनिमा है, नहीं उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट फंक्शन है। ठीक है, और उच्चिष्ट मान भी ज्ञात करना है, फलन का उच्चिष्ट मान यानी मैक्सिमम वैल्यूज को फाइंड करना है। x इक्वल टू पाई बाई थ्री ये फंक्शन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं dy बाई dx, या फर्स्ट सेकंड फंक्शन मान के डिफ्रेंशिएशन करेंगे, cos x का हो जाएगा माइनस का sin x, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एंड फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन sin x का हो जाएगा cos x, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का sin स्क्वायर x प्लस cos x प्लस का cos स्क्वायर x। इक्वेशन नंबर टू हो गया है dy बाई dx। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज के लिए dy बाई dx इक्वल टू जीरो, तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम कुछ क्वांटिटीज़ फाइंड कर सकते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री दिया है, तो पाई बाई थ्री यहाँ से निकल के आएगा, कोस में फंक्शन चल रहा है तो साइन को भी कोस में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो कोस एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, माइनस का वन प्लस का कोस स्क्वायर एक्स प्लस का कोस एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा टू कोस स्क्वायर एक्स प्लस का कोस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसका अगर फैक्टराइज किया जाए, टू इंटू वन जिनका डिफरेंस वन हो, तो ये हो जाएगा टू कोस स्क्वायर एक्स प्लस का टू माइनस का वन कोस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो ये होगा टू कोस स्क्वायर एक्स प्लस का टू कोस एक्स माइनस का कोस एक्स माइनस का वन इक्वल टू जीरो। फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे कॉमन लेंगे टू कोस एक्स एंड कोस एक्स प्लस का वन माइनस का वन, और यह हो जाएगा कोस एक्स प्लस का वन इक्वल टू जीरो। कोस एक्स प्लस का वन कॉमन निकाला, डबल डिफ्रेंशिएशन, चलो ये रखा डबल वाला पार्ट, सारा नहीं मिटा है अभी बाकी है, ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, यहाँ पे जो नीचे वाला टर्म्स आ रहा था, इसमें कोस एक्स प्लस का वन कॉमन निकाला एंड टू कोस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अगर टू कोस एक्स माइनस का वन इक्वल टू जीरो है, तो कोस एक्स इक्वल टू वन बाई टू, यानी कि कोस सिक्सटी यानी कि पाई बाई थ्री आ रहा है। तो एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री एक क्वांटिटी सी आ रहा, तो उसी पर हमको शो करना है कि फंक्शन मैक्सिमा है। तो फंक्शन मैक्सिमा शो करने के लिए इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। डबल डिफरेंशिएशन में ये वैल्यू पुट करी जाएगी तो निगेटिव आना चाहिए, तो डबल डिफरेंशिएशन अगर इसका लेते हैं तो यह हो जाएगा टू साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का टू कोस एक्स एंड कोस का माइनस का साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का फोर साइन एक्स कोस एक्स माइनस का साइन एक्स। ठीक है, अगर इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में, एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री, एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री, तो माइनस का फोर साइन पाई बाई थ्री एंड कोस पाई बाई थ्री माइनस का साइन पाई बाई थ्री। वैल्यूज आने के बाद फंक्शन निगेटिव ही आएगा, यानी कि निगेटिव पर हो जाएगा मैक्सिमा। ठीक है, तो यही शो करना था, एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री पर फंक्शन मैक्सिमा है। ठीक है, मैक्सिमा आ चुका है, फंक्शन इस मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री। फाइंड द मैक्सिमा वैल्यू, मैक्सिमा वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो वाई मैक्सिमा इक्वल टू आ जाएगा साइन पाई बाई थ्री एंड वन प्लस का कॉस पाई बाई थ्री। साइन पाई बाई थ्री यानी कि साइन सिक्सटी, साइन सिक्सटी होता है अंडर रूट थ्री बाई टू एंड वन प्लस कोस सिक्सटी हो जाएगा वन बाई टू। इसको सोल्व कर लेंगे, थोड़ा सा सोल्व हुआ, यह आ जाएगा थ्री बाई टू यानी कि थ्री अंडर थ्री बाई फोर, यह आ जाएगा मैक्सिमा वैल्यू होगा थ्री अंडर थ्री अपॉन फोर। ठीक है, तो यही इसमें फाइंडिंग भी करना था कि फंक्शन इतनी क्वांटिटीज पर मैक्सिमा है, तो इस पार्ट में इतना ही शो करना था। ठीक है, तो हो चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
ये क्वेश्चन है, शो करना दिखाना है कि एक्स की किस मान पर उच्चिष्ट है, किस पे निम्निष्ट है, मतलब वैल्यूज नहीं फाइंड करना है। फंक्शन दिया है जैसे कि एफ फंक्शन है वाई इक्वल टू फाइव माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स की किन वैल्यूज पर मैक्सिमा है, किन पे मिनिमा है। देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, जीरो माइनस का वन माइनस का टू एक्स, माइनस का टू एक्स माइनस वन आ गया। फोर मैक्सिमा मिनिमा क्वान्टिटीज के लिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे, माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, टू एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन टू, एक ही यहाँ पे क्वांटिटीज निकल पाई है। इस पर या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, टू माइनस टू यानी कि निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव पे क्या हुआ करता है, मैक्सिमा होता है। एक्स की वैल्यू रखने की जरूरत का यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, रखेंगे तभी पता लगता, तो ऑलरेडी निगेटिव आ चुका है तो वहाँ पर मैक्सिमा ही होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में यहाँ एक्स होता तो एक्स की वैल्यू ड्रा की जाता, उसे चेक करते पॉजिटिव है कि निगेटिव है, एक्स की वैल्यू वहाँ पे है ही नहीं तो रखने की कोई जगह नहीं है, तो इसका मतलब जो है निगेटिव ऑलरेडी पहले से ही बन चुका है, तो वो निगेटिव पे मैक्सिमा होता ही। एंड द फंक्शन इज मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू माइनस का वन बाई टू, एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई टू पर फंक्शन मैक्सिमा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि वही चेक करना है कि किस वैल्यूज़ पर एक्स के किस मान पर, एक्स के किस मान पर फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा है। इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं तो यह हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री, इक्वेशन नंबर टू। फोर मैक्सिमा मिनिमा वैल्यूज़ के लिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो लेंगे, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, या एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, थ्री तक नॉट जीरो होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इक्वल टू वन एंड माइनस वन, दो क्वांटिटीज यहाँ पे आ चुकी हैं। अब निकालते हैं डबल डिफ्रेंशिएशन, तो हो जाएगा थ्री इंटू टू एक्स माइनस जीरो यानी कि सिक्स एक्स। अब इसमें अगर वैल्यूज पुट किया जाए, एक्स इक्वल टू अगर वन पुट किया तो सिक्स आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव क्वान्टिटीज है, पॉजिटिव पे मिनिमा होता है, मिनिमा किसने बाय एक्स इक्वल टू वन पर मिनिमा आया। अब डबल वाली जो क्वांटिटीज़ है वहाँ पे एक्स इक्वल टू माइनस वन रखते हैं तो माइनस छः आ जाएगा, ये होगा निगेटिव पे होता है मैक्सिमा, तो एट एक्स इक्वल टू माइनस वन पर फंक्शन इज मैक्सिमा। ठीक है, तो जहाँ पॉजिटिव आता है वहाँ मिनिमा होता है, एंड जहाँ निगेटिव आता है वहाँ पर मैक्सिमा हुआ करता है।